उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक खत लिखा और पूरे देश में खलबली मच गई। देश के प्रधानमंत्री को लिखे इस खत में वसीम रिजवी ने मदरसों को खत्म करने की पैरवी कर दी है और इसके लिए जो वजह बताई है उससे तो भूचाल आ गया है। क्या मदरसों को होती है आतंकी फंडिंग? क्या मदरसों में दी जाती है बम बनाने की ट्रेनिंग? क्या मदरसों में पैदा होते हैं जिहादी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने खत में यही सारी वजह बताते हुए मदरसों को खत्म करने की मांग कर दी है। रिजवी ने अपने खत में सवाल किया है कि मदरसों से कितने इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस निकलते हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ मदरसे आतंकवादी जरूर पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, रिजवी ने तो ये भी लिखा है कि कई विदेशी आतंकवादी संगठन भारत के मदरसों की फंडिंग करते हैं। वो क्योंकि मदरसे ज्यादातर चंदों के ऊपर चलते हैं, जकात के ऊपर चलते हैं, तो ये चंदा और जकात वसूल करने के लिए मदरसों का जो है वो एक कारोबार चल रहा है। वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मदरसे हैं जो पकड़े गए जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 58 मदरसे, एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा गया है 58 मदरसे जिहादी ग्रुप से लिंक्ड है। तो मैंने बात ये लिखी है कि इन मदरसों को खत्म करके इनको स्कूलों में कन्वर्ट किया जाए। कहने की जरूरत नहीं कि वसीम रिजवी ने मदरसों की नीयत पर गंभीर सवालिया निशान लगाकर बड़ी अदावत मोल ले ली है। ये एक मसखरा है जिसने अपना ईमान बेच चुका है। ये आरएसएस और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और इस जोकर को भी पता नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान आईसीस से दूर हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसों के सिलसिले में जो बात कही गई है वो इस सदी का सबसे बड़ा जोक और सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि मदारिस जो हैं उनका इस मुल्क की आजादी में सबसे अहम रोल रहा है। मदारिस में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है। इससे पहले राम मंदिर बनाने की वकालत कर वसीम रिजवी अपने ही धर्म के लोगों की आलोचना की तपिश ढेर चुके हैं। दरअसल रिजवी ने कहा था कि विवादित जमीन पर भगवान श्री राम का मंदिर बने ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो और देश में अमन कायम हो सके, लेकिन इस बार मदरसे की निष्ठा पर ही सवाल उठाकर उन्होंने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।